हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय कपूर फैमिली व्लॉग्स। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी दोपहर का टाइम हो गया, बच्चे बस अभी बाहर है, ट्यूशन से आए थे थोड़ी देर पहले ही, तो मैंने कहा चलो आज भी आपसे बात करते हैं। आज भी कोई डेली रूटीन वाला जो वीडियो है वो नहीं आएगा, वैसे वो स्टार्ट कर रखा है मैंने, इसके बाद वो आएगा डेली रूटीन वाला, वो तो कभी छोड़ ही नहीं सकते हम लोग, क्योंकि स्टार्टिंग ही हम लोगों ने वहाँ से करी थी, तो उसको तो छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता। तो बाकी ये वाला जो वीडियो है आज, इसलिए मैं दोबारा से डाल रही हूँ, मैंने आपसे जो लास्ट वीडियो जो कल गया था, तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, आप लोगों ने समझा मेरी फीलिंग्स को, समझा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी, जो जिनके बारे में मैं बात कर रही थी, ज्योति ब्लॉगर के बारे में, तो और आप लोगों ने समझा कि मैंने कोई वायरल और अपनी वीडियो वायरल करने के चक्कर में ये वीडियो नहीं डाली थी, आप लोगों ने ये भी समझा। और मैंने उसमें कहीं कोई आप लोगों से भी नहीं कहा कि हाँ भाई मेरी वीडियो वायरल हो जाए या कुछ, तो जो जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो उनके वीडियो उनके चैनल पे उनकी वीडियो वायरल हो, मैं तो ऐसे बोलती हूँ। हमारे जो चैनल पे हमारी वीडियो वायरल होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा, मैंने मेरे चैनल का क्या नाम है, कपूर फैमिली व्लॉग, ये मेरा फैमिली से रिलेटेड है सब कुछ। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोला था कि हाँ भाई मैं अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ दिखाऊंगी, हर चीज़ वो करूंगी, तो वीडियो वायरल होनी चाहिए। तो जो मैं खाना बनाती हूँ या मेरे बच्चे की जो एक्टिविटी है वो वीडियो वायरल होनी चाहिए ना, तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये तो उनके साथ जो हुआ मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, सबने समझा इस चीज़ को कि हाँ भाई जो मैं बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। लेकिन जो एक दो लोग हैं उन्होंने ना कुछ मतलब अजीब सा उन्होंने बोला, तो मुझे ना इसलिए वीडियो बनानी पड़ी अभी। तो अगर उन्होंने कुछ बोला है तो मेरे को भी तो जवाब फिर देना ही चाहिए ना अकेले। मैंने उनको कमेंट्स के थ्रू जवाब दे दिया था, लेकिन आप सबको भी पता चलना चाहिए कि उन्होंने क्या बोला क्या। मैंने ना इसमें लिख भी लिया है, क्योंकि फ़ोन एक है तो इसलिए फिर पता भी नहीं चल पाएगा मुझे कि मैं पढ़ूंगी कैसे। तो आज मैं ना आपसे ना एक है लेडीज़ है, मिसेस बरार करके लेडीज़ है कोई, मिसेस बरार मुझे नहीं पता वो कहाँ की है। और मैंने आप लोगों से कल जो मैंने बात बोली थी कि हाँ भाई लोग ज्योति ब्लॉगर का जो मजाक बना रहे हैं कुछ, और जिन्होंने बोला मैंने उनका नाम भी नहीं लिया, मैंने उनका नाम लिया था कि किस चैनल में किसने बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। और मैंने ये भी बोला था कि हाँ मैं भी उनकी वीडियोस देखती हूँ, वो भी देखती हैं, और मैंने सिर्फ ये बोला था कि हाँ भाई स्टार्टिंग में जैसा किसी ने बोला उनका मजाक बना रहे हैं, डेली रूटीन उनके कोई व्यूज़ नहीं आते ये सब को लेके, लेकिन मैंने किसी को गलत नहीं बोला और ना ही मैंने उनका नाम लिया। और नाम तो ये मिसेस बरार है, उन्होंने ही नाम ले लिया। आप कमेंट्स में लगाऊंगी, आप साथ साथ कमेंट्स भी रीड करना कि जो मिसेस बरार है उन्होंने क्या क्या उन्होंने मुझे बोला है, मेरी इतनी तारीफें करी, तारीफों के पुल बांधे, तो आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी मैं। आप ध्यान से सुनना, आपने आज वो काम कर ही दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था। मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया कल की वीडियो में जो मुझे नहीं करना चाहिए था? मिसेस बरार मुझे आके बताना जरा, मैंने ऐसा, आप लोग भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना मैंने ऐसा कौन सा काम किया कल। और आपने सबर का अपने सबर का खुद ही, आपका सबर तो खुद ही टूट गया, मेरा सबर काहे का टूटा? मैं तो बेसब्री कभी थी भी नहीं, और क्योंकि आपको पता चल गया था कि वायरल वीडियो ऐसे ही चलती है ना ही। मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ, मैंने, मेरा ये कोई इरादा नहीं है कि हाँ भाई ये वीडियो वायरल हो या कुछ हो, मैं आपको अपने वीडियोस दिखाऊंगी ना, जो वीडियो वायरल वो किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी जो वायरल हुई है, जितनी खुशी उस वीडियो से मिलती है ना, ये वीडियो वायरल हो जाएगी मेरे को कोई खुशी भी नहीं होगी, और ना ही ये हुई, ना ही मैंने इस चक्कर में डाली, किसी औरत का दर्द समझा है मैंने, उसका मजाक नहीं बनाया मैंने, आप ये समझो। आप औरत हो के औरत के लिए आप ऐसे बोल रही हो, तो आप औरत ही क्या, मिसेस बरा रहे हैं, मिसेस बेवकूफ हो आप तो, मेरे को बोलने में कोई वो नहीं है, चाहे आप कोई कुछ भी आप मेरा नहीं कर सकते, मिसेस बेवकूफ बोलूंगी मैं आपको। आगे उन्होंने क्या लिखा, आपने वही बात कर दी जो आपको शायद नहीं करनी चाहिए थी, आपने साबित कर दिया डेली रूटीन नहीं चलती। मैं क्यों साबित करूंगी डेली रूटीन नहीं चलती? डेली रूटीन सब बना रहे हैं, मैं क्यों साबित करूंगी? आप मेरे लिए नहीं, सब ब्लॉगर के बारे में जो डेली रूटीन दिखाती है ना उनके बारे में आप बोल रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरे तो हमेशा डेली रूटीन क्या थी, चाहे व्यूज आए चाहे ना आए, लेकिन मुझे तो डालनी है, मैंने तो अपने बच्चों की एक्टिविटीज दिखानी है। और मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये मेरे लिए क्यों है,
क्योंकि हर किसी का ना अलग अलग सोच होती है, मेरी सोच ऐसी नहीं है। और उन्होंने लिखा है कि आप, अब मैंने उनका नाम नहीं लिया था लेकिन इन्होंने खुद, ये सच्ची सब्सक्राइबर है उनकी जो बहुत उनको वो कर रही है ना, आप प्रीत की बात कर रही हैं, मैंने कल की वीडियो में, आप लोग सुन सकते हो दोबारा से, मैंने कहीं उनका नाम नहीं लिया, प्रीत नाम मैंने लिया ही नहीं, मैंने सिर्फ ज्योति नाम लिया था, मैंने प्रीत का नाम नहीं लिया, प्रीत चैनल है उनका, प्रीत की बात कर रही है, उसका ये मतलब है कि आपके आप लोगों को नहीं दिखता है, आज आपने ये वीडियो डाली तो आपकी भी वीडियो वायरल हो जाएगी। अरे मुझे अपनी वीडियो वायरल करानी नहीं, ये वाली तो खास कर नहीं करानी, मैंने तो उनका दर्द समझा, आप लोग जो उनका मजाक बना रहे थे मैंने तो ये चीज़ बोली, मैंने तो ये बोली ना आप, और ये मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं उनके बारे में, और आप सुन सकते हो अगर आपके कान खुले हुए ना, अगर कान बंद है तो आपको समझ नहीं आएगी, कान खोल के सुनना कि मैंने बोला क्या है उसमें। और इन्होंने मुझे क्या लिखा है कि शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी आपको, मैंने ऐसा बेशर्मी वाला काम ही क्या किया, मैंने बेशर्मी वाला काम किया क्या, मुझे ये तो बताओ। और हाँ, अगर कोई मुझे ऐसे गलत बोलेगा ना, आप मेरी ना पुरानी वीडियो देख सकते हो, 7-8 महीने पहले वाली, जब मैं दूसरे वाले घर में रहती थी, मेरे को किसी ने ना कमेंट्स किया था इसमें, बस गलती ये कर दी, वो कमेंट्स ना मैंने डिलीट कर दिया, और किसी अपने ने ही किया था, मैं वो लाना नहीं चाहती कमेंट्स, आप रीड एक बार वीडियो जाके ना देख लेना वो, कि मैंने क्या उनकी धज्जियाँ उड़ाई थी वीडियो पे। मुझे वीडियो वायरल करवानी होती ना तो मैं कब की करवा लेती, और ऐसी ऐसी वीडियो वायरल करवाती ना, आज आपने खुद देखा होगा कि लोग कैसे कैसे वीडियो डालते हैं, कैसे क्लीनिंग किया, कैसे मतलब क्या क्या, मैं बोलना नहीं चाहती, अगर मुझे वीडियो वायरल तो मैं किसी और तरीके से कर लेती। मेरे पास आते हैं ऐसे आते हैं कमेंट्स कि आप ऐसी वीडियो बनाओ, ऐसी वीडियो बनाओ, नहीं बनाती मैं, मेरे को वीडियो वायरल कराने का शौक नहीं है मिसेस बरार, किसी और को शौक होगा, जिनकी आप चहेती हो ना उनको, मैं उनके बारे में आज भी गलत नहीं बोलूंगी, अगर आपको उनका इतना ही दर्द होता ना तो आप, उन्होंने जो वीडियो डाली थी ना उसमें लोगों ने उनको कितना गलत बोला था, आप उसमें कमेंट करते ना, आप इसमें कमेंट क्यों कर रहे हो? आपको अगर उनका इतना दर्द होता ना तो आप उसमें जाके उन लोगों को बोलते, यहाँ आके नहीं बोलते आप, वहां तो आपने कुछ बोला नहीं। आप जैसे लोग ना सिर्फ ऐसे ही होते हैं कि बस वीडियो देख ली, अपने अपने वायरल होने के चक्कर में आप ये चीज़ें करते हो और दूसरों को वो करते हो आप। हम डेली रूटीन दिखाते हैं, हम डेली रूटीन, लेकिन जहाँ गलत लगेगा, मुझे गलत लगी, मुझे उनका दर्द पता चला, ठीक है मैं समझी उनका दर्द, तो मैंने वीडियो बनाई तो क्या हो गया, मैंने उनका मजाक नहीं बनाया। और उनकी भाभी ने खुद कहा है, वो मैं भी अभी आपको सुनाऊंगी उनकी भाभी, और एक एक और है माई किचन ब्लॉग के नाम से है, प्रीत ने भी तो ज्योति के बारे में कुछ गलत नहीं बोला, मुझे पता है उन्होंने चाहे जो कुछ भी बोलो, लेकिन स्टार्टिंग में जो उन्होंने ये बोला था कि मुझे पता है ऐसी डेली रूटीन की वीडियो वायरल नहीं होती, ये वीडियो वायरल होती है, ऐसे ही वीडियो डालेंगे, ये वो ड्रामेबाजी, ये नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको लगता है डेली रूटीन नहीं होती तो आप स्टार्टिंग में दिखाते ही ना, उन लोगों की वजह से ही आप लोग यहाँ तक आए हो, उन लोगों की वजह से, और मुझे किसी की वजह से आने का वो नहीं है, मेरी सोच ऐसी है, अगर मुझे जो गलत लगेगा वो मैंने बोला है। और मैंने लास्ट में ये भी बोला था कि हाँ कभी तो वो मेरी वीडियो अगर देखेंगी तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन गलत बोल रहा है कौन सही बोल रहा है। और ये तो YouTube पे तो मैं अब आई हूँ ना, चाहे यहाँ पर भी मेरे आस पास भी अगर किसी के साथ गलत होता है तो मैं वो भी बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूँ, अगर किसी के साथ भी गलत होता है ना तो बर्दाश्त करना नहीं चाहिए। अगर मैंने बोल दिया तो क्या हो गया, लोग बोलते नहीं, लोग बस वीडियो देखते हैं, चलो जी छोड़ो परे। और इन्होंने क्या लिखा है, माई किचन ब्लॉग कोई चैनल नहीं है, फेक चैनल है ये, कोई चैनल नहीं है, आप लोग सर्च करके देख लेना माई किचन ब्लॉग के नाम से, किचन ब्लॉग डाला है, खाने का ब्लॉग नाम रखा हुआ है, लेकिन खाने का कुछ भी नहीं दिखाया हुआ इसने, लगता है अपने घर में ना झूठ की रोटी बनाती होगी ये लेडीज। इन्होंने लिखा है गलत नहीं उसने, ये तो मैंने बोल दिया, उसको रिश्ता फैमिली में रखना चाहिए, उसको रिश्ता उसने रखा ही फैमिली में था, जब फैमिली मेंबर वाले ही वहाँ खड़े हुए। अभी आप देखना आज उनकी भाभी ने जो वीडियो डाली है, उन्होंने साफ बोला कि वो इतने सालों से वो यही सोच रही थी कि हाँ भाई मेरा सब सही हो जाए, इतने सालों से सोच के ही तो वो चुप बैठी हुई थी, अगर उनको कंप्लेंट करनी होती तो वो पहले ही कर लेती, एक्शन लेना होता पहले ही ले लेती, तो अब वो अब क्यों करेंगी। लेकिन जब बाहर का कोई आके ऐसा कुछ करेगा और दोनों सास और हस्बैंड देखते हुए खड़े रह जाएंगे तो फिर वो क्या करेगी, हार के डालेगी ना कभी तो वो करेगी ना ये काम है आप। फिर उन्होंने लिखा है कि मैंने भी आपको अन कर दिया, उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया, सच्चे लोगों का साथ दोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, मुझे ऐसे सच्चे लोगों का ना साथ नहीं देना,
ठीक है हम झूठे ही सही हैं, मुझे ऐसे सच्चे लोगों का साथ नहीं देना, मैं यहाँ पे ना कुछ वो करने नहीं आई, हाँ भाई कि मेरे को आप लोग ऐसे झूठ का साथ दूंगी या सच का साथ दूंगी, मुझे उनका दर्द मुझे लगा तो मैंने वीडियो बना ली, मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है तो मैंने बोल दिया, ठीक है आप लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया, करते रहो, मुझे ना दो चारों से जो झूठे लोग हैं जो औरत ही औरत का दर्द नहीं समझ सकती ना, उनकी मेरी वीडियो पे कोई एंट्री नहीं है, आप लोग मेरी वीडियो मत देखा करो। मैंने आप फिर वही बात आ जाएगी कि 7-8 महीने पहले भी मैंने ये चीज़ बोली थी, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना कभी तो चैनल वो जाएगा, और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कि इसी चीज़ के लिए आता है कि हाँ भाई ये, मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊँगी कि कोई किसी और वजह से भी आ सकता है। और उनकी भाभी ने आज खुद उन्होंने बोला है कि वो अगर वो अपना दर्द यहाँ पे बताती नहीं, अगर थोड़ा बहुत ये तो है नहीं कि हाँ भाई अपना दर्द बिल्कुल ही नहीं बताएगी, कई बार तो इंसान का मूड वो भी हो जाता है, वो तब भी कितना हंसने की कोशिश करती है, इतना दुखी रहती है, आप लोगों को पता है ये कहते हैं कि हाँ भाई वो अपना दर्द वो दिखाती है, मैं कितने टेंशन में रहती हूँ, मैं कितने हर कोई टेंशन में रहता है, लेकिन हर कोई सोचता है कि हम अच्छे तरीके से वीडियोस बनाए, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी लाइफ में टेंशन ना हो, ठीक है उनकी लाइफ में ज़्यादा टेंशन बढ़ गई तो उन्होंने दिखा दी, वो क्यों ना दिखाए, आज वो इस उस पर पहुँच गई है कि वो कुछ भी कर सकती है, और उनको पहले अक्ल आ जानी चाहिए थी, ये तो उनकी भाभी सही बोल रही है, उनको पहले अक्ल आ जानी चाहिए, उनको बहुत देर बाद ये अक्ल आई है कि उन्होंने अब जाके ये स्टेप उठाया, उन्होंने उनको पहले ये वाला स्टेप उठा लेना चाहिए था तो आज उनके साथ ऐसा नहीं होता। तो आप लोगों ने जो मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया कोई टेंशन नहीं है, मुझे ये जो आप ये मिसेस बरार माई किचन लोग मुझे पता है ये कौन है कौन नहीं है, तो ठीक है आप लोग मत देखा करो हमारी वीडियो ऐसे, आप लोग सिर्फ उन्हें उन पे जाया करो, और जब उन्होंने कुछ नहीं बोला तो आप क्यों बोल रहे हो, मैंने कल भी बोला कि वो मैंने उनको कमेंट्स में लिख के भी दिया कि हाँ भाई वो ऐसी नहीं है लेडीज़ प्रीति जी ऐसी नहीं है, वो मुझे समझेंगी कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, मैंने उनके बारे में भी गलत नहीं बोला, मैंने आप लोग कल की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, मैंने उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोला, बस यही कहा कि हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए किसी की मजबूरी का, उन्होंने ऐसी वीडियो डाली उनकी कोई मजबूरी रही होगी तभी तो उन्होंने डाली ना, और मैं तो अभी ऐसे औरतों का साथ दूंगी नहीं, और मैं आपको यही कर रही हूँ बताकर, और इन्होंने क्या लिखा है मैं आपको अन कर रही हूँ बताकर, घटिया औरत मिसेस बरार ने ये लिखा है, घटिया औरत मैं नहीं हूँ, ये लोग बता देंगे, मेरी वीडियोस बताती है कि कौन घटिया औरत है कौन नहीं है, ये सबको पता है, ठीक है ना ये सबको पता है, मुझे 1 साल हो गया आज तक मुझे ऐसा कमेंट्स कभी नहीं आया, हाँ पहले 1-2 बार आया, लेकिन मुझे जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे अच्छे से जानते हैं उन्होंने आज तक कभी मुझे ऐसे कमेंट्स नहीं किए, हाँ ठीक है सच का साथ देना, अगर कोई इतना वो है ना मैंने सच का साथ देकर कोई गुनाह किया तो ठीक है, मैं ऐसा गुनाह तो बार बार करने के लिए, वो मेरे को अगर यहाँ भी अगर मुझे कुछ मिले होगा ना कि हाँ भाई अगर किसी का साथ देना, मैं झूठ का साथ कभी भी नहीं देती, आप लोग उनकी वीडियो मुझे सबने बोला कि हम उनकी वीडियो देखते हैं, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वो कैसी है कैसी नहीं है, तो पता नहीं इनको मिसेस बरार को क्या हुआ है, घटिया औरत डर गई, उन्होंने लिखा है घटिया औरत डर गई बड़े बड़े ब्लॉगरों से, मुझे उन ब्लॉगरों का नाम प्लीज़ बता दो कौन से ब्लॉगरों से मैं डर गई, हाय मैं तो डर गई मुझे नाम बता देना कि कौन से ब्लॉगरों से डर गई, मुझे ना अजीब सा हो रहा था दिन में भी, मेरे को दिन में ऐसे हो रहा था कि हाँ भाई मैं कौन से ब्लॉगर है जिनसे मैं डर गई, तो प्लीज़ मिसेस बरार आपने मुझे अन तो कर दिया, लेकिन अगर आप मेरी ये वीडियो भूले भटके देख लोगे ना तो मुझे बता जरूर देना ऐसे कौन से ब्लॉगर है जिनसे मैं डर गई, ठीक है मैं डरती किसी के बाप से भी नहीं हूँ तो ये उसमें मत रहना, ठीक है ना मैं डरती नहीं हूँ, जो इंसान सही होता है ना उसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होती, तो वीडियो 14 मिनट का हो गया है, तो आप लोगों को बस यही मेरे को ना थोड़ा सा आप लोगों से बात करनी थी कि भाई ये जो 2-3 कमेंट्स आए थे उनके ऊपर मुझे बात करनी थी आप लोगों से, पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, और मैंने कोई वीडियो वायरल के मैं अभी भी बोल रही वीडियो वायरल के उसमें नहीं बनाई, तो वैसे मुझे किसी को कुछ वो करने का वो भी नहीं है बस मेरे को जो वीडियो वायरल किस चीज़ की होती है कि इतने व्यूज़ आ गए वीडियो वायरल हो गई, नहीं वीडियो वायरल होती है जो हमें जिन्होंने कमेंट्स किए, अगर मेरे पास 10 लोगों को भी अच्छे कमेंट्स आ गए ना तो समझो मेरी वीडियो वायरल हो गई, इसे कहते हैं वीडियो वायरल होना, ये नहीं कहते कि हाँ भाई इतने व्यूज़ आ गए तो हमारी वीडियो वायरल हो गई, अगर आप सच्चे हो ना तो अगर आपके 10 कमेंट्स भी अच्छे आ गए
तो आपकी वीडियो समझ लो वायरल होगी, लोगों ने दिल से आपकी वीडियो को देखा। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। इसके बाद जो व्लॉग आएगा वो अब आज व्लॉग स्टार्ट ही है मेरा, तो उसके बाद वो वाला आएगा। तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, आप लोग मुझे जरूर बताना। और प्लीज 15 मिनट की वीडियो तो वॉच कर लेना, स्किप मत करना। तो गाइस आप सब्सक्राइब बटन प्लीज जल्दी दबा देना मेरी मम्मी के चैनल में। हाँ, तो चलो फिर, ये इतनी मैं अपने बच्चों के इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज दिखाती हूँ आप लोगों को, इतना सब मैं इन्हीं, बस मुझे थोड़ी सी उनके लिए ना बुरा लगा, तो मैं ऐसी वीडियोस तो अब मैं लेके आया करूंगी। तो चलो फिर मैं आप नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, बाय।